जय श्री ओम नमः सिद्धेव्या नमो अरिहंताणं नमो सिद्धा नमो वज्जायाणं नमो लोए सवृषाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नंदीश्वर के अकृत्रिम जिन मंदिर अरुजिन बिंब आहा ज्ञान माही स्थापन करते उछले ज्ञानानंद महा ज्ञान मई ही हो आराधन सहज पने निष्काम प्रभो तृप्त सदैव रहूं निज में ही और चाह नहीं शेष विभो तृप्त सदैव रहूं निज में ही और चाह नहीं शेष विभो अष्टानिका पर्व मांगली पर्व चल रहे हैं, उनका पावन प्रसंग जिसमें चारों निकाय के देव पूरे 8 दिन नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्य चैतालयों की वंदना करते हैं। हम भी भावना बाते हैं कि हम भी यहाँ से भाव वंदना करें, क्योंकि हमारी शक्ति वहां जाने की नहीं है। ऐसे मांगलिक पर्व पे हम एक महत्वपूर्ण विषय लक्षण व लक्षण आवास पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने लक्षण के बारे में जाना और लक्षण आवास के बारे में भी जाना कि लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण को जानना क्यों जरूरी है और उसमें क्या क्या दोष आ सकते हैं। उस पे भी हमने जाना कि उसमें तो 3 दोष हैं, अति व्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष, असंभव दोष। तो वो दोष भी कैसे कैसे आ सकते हैं वो भी हमने जाने। एक बार उनको सिंपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। अति व्याप्ति दोष यानी कि अति व्याप्त की जो बहुत ज्यादा व्याप्त है, कि जहां हम देख रहे हैं वो लक्ष्य में भी व्याप्त है और जहां हम नहीं देख रहे हैं लक्ष्य में भी व्याप्त है। तो लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में पाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे अति व्याप्ति दोष। उसके बाद अव्याप्ति दोष, आ प्लस व्याप्त की जो पूरी तरह से व्याप्त नहीं है, कि जहां पर हम देख रहे हैं वहां भी वह पूरी तरह से व्याप्त नहीं है, मीन से वो पूरे लक्ष्य में भी नहीं पाया जाता। वो किसी लक्ष्य में पाया जाए और किसी लक्ष्य में नहीं पाया जाता, उसको हम कहेंगे अलग अव्याप्ति दोष। उसके बाद असंभव दोष की ए प्लस संभव की जो संभव ही नहीं है, कि जहां हम देख रहे हैं वहां पर उसका पाया जाना संभव ही नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है कि वहां पाया जाए, ऐसा जो होगा उसको हम कहेंगे असंभव दोष। अब हमको मेनली करना क्या है कि पहचान करनी है कि जो लक्षण है वो लक्षण दोष से युक्त है कि दोष से मुक्त है। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना है कि कथन को पढ़ के उसमें लक्ष्य कौन है और लक्षण कौन है ये पता करना है, और लक्ष्य क्या है जिसको देखा जा रहा है और लक्षण क्या है जिसके द्वारा देखा जा रहा है। बस लक्षण की बात सुननी है कि लक्षण क्या कह रहा है, वो कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ नहीं पाया जा रहा है, उसका हमको विचार करना है। देखो, एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद बाकी एग्जाम्पल आपसे करवाएंगे। पहला लिखा हुआ है इसमें, गाय को पशु कहते हैं, इसमें कौन सा दोष है। देखो, गाय को पशु कहते हैं मीन्स हम देख किसको रहे हैं, किसको देख रहे हैं बताओ। गाय को पशु कहते हैं तो गाय को हमने कहा कि पशु कहते हैं, तो गाय को पशु कहते हैं मीन्स गाय के माध्यम से पशु की पहचान कर रहे हैं। तो गाय हमारा क्या हुआ लक्षण और पशु हमारा क्या हुआ लक्ष्य।
तो गाय को पशु कहते हैं, मीन्स इस लक्षण से हम उस लक्षण की पहचान कर रहे हैं। तो हमारा लक्षण हो गया पशु और लक्षण हो गया हमारा गाय। अब यह लक्षण हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ नहीं पाया जा रहा है। देखो, हमने कहा पशु, पशु हमारा लक्षण है, तो गाय उसमें पाई जा रही है नहीं पाई जा रही है? पाई जा रही है। लेकिन क्या पशु के बाहर भी गाय पाई जा रही है? नहीं पाई जा रही, मीन्स अलक्ष्य में तो नहीं पाया जा रहा है, मीन्स अति व्याप्ति दोष तो इसमें नहीं है। अब उसके बाद हम देखें अव्याप्ति दोष, तो क्या ये पूरे पशुओं में पाया जा रहा है कि क्या केवल गाय ही पशु है? क्या गाय के अलावा और पशु नहीं है कि नहीं? गाय के अलावा और भी बहुत सारे पशु हैं, मीन्स ये गाय का जो लक्षण है वो पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जा रहा है। इसका मीनिंग इसमें कौन सा दोष आ गया? अव्याप्ति दोष। तो इस लक्षण से वस्तु की पहचान नहीं हो सकती क्योंकि यह लक्षण दोष से युक्त है, और इसमें दोष कौन सा है? अव्याप्ति दोष है। इस तरह से हमको बाकी जो सेंटेंस है उनमें दोषों का पता लगाना है। तो दूसरा सेंटेंस है, पशु को गाय कहते हैं, इसमें कौन सा दोष है? तो इसमें विजया जी आप बताएंगी। हाँ बोलिए। अव्याप्ति दोष, हाँ अव्याप्ति दोष, नहीं, उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताना है एक्चुअली कि उसमें लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है। पशु लक्ष पशु को गाय कहते हैं। हाँ हाँ, तो पशु लक्ष्य और गाय लक्षण, इसमें पशु हमारा क्या लक्ष्य है? हाँ, इस वाक्य में पशु को गाय कहते हैं, इस वाक्य में पशु लक्ष्य कैसे हुआ? पशु को गाय कहते हैं, मीन्स हम पशु के माध्यम से गाय की पहचान कर रहे हैं, तो यहाँ पर पशु लक्ष्य नहीं है, पशु यहाँ पर लक्षण है कि हम पशु के माध्यम लक्षण से है। गाय की पहचान कर रहे हैं। तो पशु हमारा लक्षण हुआ, गाय हमारा लक्ष्य हुआ। आगे बताइए। नहीं तो ठीक है, मैं बता देता हूँ कि पशु को गाय कहते हैं, मीस पशु के माध्यम से हम गाय की पहचान कर रहे हैं कि जो गाय है किसको कहते हैं? पशु को। मीस जो पशु है वो गाय है, तो पशु को हमने क्या कहा? लक्षण, कि उसके माध्यम से हम गाय की पहचान कर रहे हैं। तो पशु हमारा लक्षण हुआ, गाय हमारा हुआ लक्ष्य। अब देखो, पशु जो लक्षण है वो गाय में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है, तो लक्ष्य में तो वो पाया जा भी रहा है। लेकिन क्या पशुपना, विजय जी आप वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। और अच्छा। लेकिन लक्ष्य के अलावा जो बाकी पशु हैं, जो पशुत्व है वो बाकी में भी पाया जाता है, जो गाय के अलावा बाकी जितने पशु हैं उनमें भी पशुत्व पाया जाता है। मीन से वो लक्ष्य में ही पाया जा रहा है और अलक्ष्य में ही पाया जा रहा है। तो वहां पर कौन सा दोष हुआ? ये हुआ अतिव्याप्ति दोष, क्योंकि हाथी, घोड़े, बैल आदि जितने भी पशु हैं उनमें भी पशु पशुपना है, मीन्स केवल गाय में नहीं है। इसलिए गाय में को हम देख रहे हैं तो लक्ष्य है उसमें भी है, और हाथी, घोड़े आदि जो ऐसे और पशु हैं जो अलक्ष्य है हमारे लिए उनमें भी है। तो लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे अतिव्याप्ति दोष। मीन्स ये भी अतिव्याप्ति दोष से युक्त है, ये भी बाकी लक्षण नहीं है। यदि हम इसको यथा लक्षण मान लें तो गाय को ही पशु मानना पड़ेगा, बाकी जितने भी पशु हैं उनको हम पशु मानेंगे ही नहीं। इतनी बड़ी भूल हो जाएगी। उसके बाद अगला है जो, एक मिनट कर देता हूँ, राग
अगला है, जो खट्टा हो उसे नींबू कहते हैं, इसमें कौन सा दोष है? हाँ रुचि जी आप बताएंगी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ री, यहाँ रुचि जी हैं, उनसे पूछा मैंने, वो बता रही है क्या इसका आंसर। रागिनी जी आप बता रही हैं, जो खट्टा हो उसे नींबू कहते हैं, जो कौन सा दोष है, कैसे पहचान करेंगे? क्योंकि पहचान करना जरूरी है, हमें विषय को केवल पढ़ना नहीं है, हमें ये जानना है कि हम पहचान कैसे करें, तो हमें उसकी पहचान करनी है, तो इसलिए ये आना चाहिए हम पे कि पहचान कैसे करनी है। चलो मैं बता देता हूँ, मैं बताऊँ हाँ ये आप बताइए। थोड़ा। हाँ, जो खट्टा है वो लक्षण है, और नींबू तो लक्षण से लक्ष्य की पहचान करनी है, तो खट्टी और भी चीज हो सकती है, तो यहाँ लक्ष्य में भी है और अलक्ष्य में भी है ये, तो इसलिए अतिव्याप्ति दोष है। बिल्कुल सही है आपका। तो जो इसमें जो खट्टा से नींबू कहते हैं, तो हम खट्टे के माध्यम से नींबू की पहचान कर रहे हैं, तो खट्टा हमारा लक्षण हुआ और नींबू हमारा लक्ष्य हुआ, तो ये खट्टापना जो लक्षण है वो लक्ष्य में भी है, और लक्ष्य के अलावा जो बाकी चीजें हैं, इमली आदि जितनी और चीजें आती हैं खट्टी, उनमें भी है, तो ये लक्ष्य के साथ लक्ष्य में भी है, इसीलिए इसको कहेंगे अतिव्याप्ति दोष। तो इसमें अतिव्याप्ति दोष है, इसके माध्यम से यदि हम कहें कि जो खट्टा है वो नींबू है, इसको यदि हम यथार्थ मान लेंगे, तो फिर हमें वही गलती होगी कि हमें जो इमली है तो इमली को भी हमें नींबू मानना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जी अभी यहाँ अगला है कि जिसे हम छू सकें वह जीव है, इसमें कौन सा दोष है? इसे हाँ विजया जी के अलावा बाकी कोई बताएगा? असंभव दोष, कैसे है, जरा वो एक्सप्लेन करके बताएं। क्योंकि छूने के लिए जीव के अलावा और भी सारे पुद्गल हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। नहीं पहले इसमें ये होता है लक्षण कौन सा और लक्ष्य कौन सा है। लक्षण और लक्ष्य, इसमें जो छूने की क्रिया है ना, तो ये है लक्ष्य और जीव है लक्षण। नहीं, छूना है लक्षण और जीव है लक्ष्य। हाँ, हाँ तो असंभव दो तो जो लक्ष्य में भी और अलक्ष्य में भी, दोनों में भी है, जीव को भी छू सकता है और बाकी चीजों को भी छू सकता है। आप जी को सुन सकती हैं। जीव, जीव इट मीन चलता फिरता इंसान। तो वो जी, वो तो जीव नहीं है ना, चलता फिरता इंसान है जो। हाँ, अगर वैसे देखे तो इसमें असंभव दोष आएगा, क्योंकि जी हमारा लक्ष्य है और लक्ष्य ने हमारा छूना, तो वो छूना हाँ उसमें पाया नहीं जाएगा, क्योंकि छूना जो है वो स्पर्श का विषय है, और स्पर्श गुण केवल पुद्गल में पाया जाता है, जीव में नहीं पाया जाता, तो इसीलिए यहाँ पर असंभव दोष है कि वो जीव में हो ही नहीं सकता, कि जीव में स्पर्श नाम का गुण हो नहीं सकता, इसलिए हम उसको नहीं सकते। हाँ एक बार आप अगला वापस, बता। एक बार हाँ तीनों परिभाषाएं वापस से रिपीट कर सकते हैं आप। हाँ हाँ अतिव्याप्ति दोष का मीनिंग है कि जो अतिव्याप्त है, मीन्स जो बहुत ज्यादा व्याप्त है, मीन्स जहां हम देख रहे हैं उस लक्ष्य में भी है, और जहां हम नहीं देख रहे हैं उस अलक्ष्य में भी है, तो जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए उसको हम कहेंगे अतिव्याप्ति दोष। और अव्याप्ति का मीनिंग है कि अव्याप्त, कि जो पूरी तरह से व्याप्त नहीं है, कि जहां हम देख रहे हैं वहां भी पूरी तरह से व्याप्त नहीं है, हम कहाँ देख रहे हैं, लक्ष्य की ओर, तो वो लक्ष्य में भी पूरी तरह से व्याप्त नहीं है, मीन्स वो किसी लक्ष्य में है, वो लक्ष्य के किसी भाग में है, किसी भाग में नहीं है। जैसे एक जाति अपेक्षा हमने लिया पशु को, मैं लक्ष्य लिया, तो किसी जैसे गाय घोड़ा भैंस तीन पशु हैं, अब हमने कोई लक्षण लिया और वो लक्षण केवल गाय में है, घोड़े और आगे में नहीं है, तो
तो वो उसको कहेंगे कि लच्छे में भी नहीं है, पूरे में, लच्छे के किसी भाग में है किसी भाग में नहीं है, तो उसको हम कहेंगे अव्याप्ति दोष। और जो असंभव है कि जो लच्छे में पाया नहीं जा सकता, उसका उस लच्छे में पाया जाना संभव ही नहीं है, उसको हम कहेंगे असंभव दोष। तो इसमें जो था कि जिसको हम छू सके वह जीव है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम जीव को छू सके, क्योंकि जीव में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, स्पर्श की उसमें कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि पर्याय तब होगी जब गुण होगा, जब वो गुण ही नहीं है तो उसकी पर्याय भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर उसको हम नहीं छू सकते, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर असंभव दोष है, इसके माध्यम से जीव की पहचान करना असंभव है। जी बराबर। अच्छा बराबर। अगला है, जिसमें ज्ञान हो वह जीव है, इसमें कौन सा दोष है, इसको भी आप ही बताएं। इसमें अव्याप्ति दोष है। कौन सा दोष है इसमें? अव्याप्ति दोष। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कैसे है। इसमें जीव लक्ष्य है और ज्ञान उसका लक्षण है, और हाँ। ज्ञान लक्षण जीव के बिना किसी अन्य में नहीं पाया जाता। हाँ। तो जो लक्ष्य में पाया जाए और अलक्ष्य में ना पाया जाए, हाँ। वो अव्याप्ति दोष। आज आपके दोस्त की ये डेफिनेशन तो नहीं बताई थी मैंने, जो लक्ष्य में ही पूरा ना पाया जाए उसको कहते हैं अव्याप्ति दोष, की जो लक्ष्य में भी कहीं पाया जा रहा है कहीं नहीं पाया जा रहा है। हाँ विजया जी आप बताएंगी इसका। जिसमें ज्ञान हो वह जीव है, इसमें कौन सा दोष है? तो हाँ। इसमें कोई भी दोष नहीं है। हाँ, क्योंकि जीव लक्ष्य है और ज्ञान लक्षण है, तो ये दोषों से रहित इसलिए है कि जीव को छोड़कर ज्ञान किसी भी द्रव्य में नहीं है। बिल्कुल, तो अतिव्याप्ति दोष नहीं है। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है कि इसमें जीव हमारा लक्ष्य है और ज्ञान हमारा लक्षण है, तो हम देखें कि लक्ष्य के अलावा लक्ष्य में पाया जा रहा है क्या, कि जीव के अलावा ये कहीं नहीं पाया जा रहा है, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं है। अब हम देखें कि जीव में ऐसा है क्या, किसी जीव में पाया जा रहा है किसी जीव में नहीं पाया जा रहा है, पाया जा रहा है, तो इसीलिए इसमें अव्याप्ति दोष भी नहीं है, और लक्ष्य में पाया ही जा रहा है तो असंभव दोष भी नहीं है, ये तीनों दोषों से मुक्त है कथन, मीन्स ये यथार्थ लक्षण है जीव का, तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। अगला देखते हैं, जिसमें मूर्तिपना पाया जाता है वह अजीव है, इसमें कौन सा दोष है? ऋषि जी बताएंगी। ये भी दोष रहित है। कैसे? क्योंकि पुद्गल का लक्षण होता है स्पर्श रस गंध पना, और वो मूर्तिक है, तो ये लक्षण अजीव का है और अजीव में पाया जा रहा है। पहले आप इसमें लक्ष्य लक्षण बताइए मुझे, इस कथन में लक्ष्य कौन है लक्षण कौन है? जीव लक्ष्य है और मूर्तिपना ये लक्षण है। मूर्तिपना लक्षण है और अजीव लक्ष्य है, क्योंकि जैसे शहद द्रव्यों की बात करें तो जी एक अजीव पुद्गल द्रव्य अजीव को छोड़ के बाकी के पांच द्रव्य अमूर्तिक है, तो इस ढंग से अगर यहाँ देखा जाए तो अजीव का लक्षण मूर्तिपना सिद्ध होता है, जो अजीव के अलावा किसी और में पाया ही नहीं जा रहा। अच्छा, मेरे हिसाब से इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे हाँ, विजया जी आप बताइए। जी नहीं बता पा रही मैं। आप रागिनी जी आप बताएंगी। चलो मैं बता देता हूँ, ये जो आंसर बताया है वो गलत है, इसमें दोष तो है कथन में, अब क्या दोष है वो देखते हैं। वो पुद्गल और अजीव का डिफरेंस है शायद। तो इसमें क्या जा रहा है कि जिसमें मूर्तिपना पाया जाता है वह अजीव है, तो मूर्तिपने के माध्यम से हम अजीव की पहचान कर रहे हैं, तो मूर्तिपना हमारा लक्षण हुआ और अजीव हुआ हमारा लक्ष्य। अब हम देखें कि अजीव के अलावा अलक्ष्य क्या हुआ हमारा, जीव, तो जीव में तो नहीं पाया जा रहा, मीन्स अलक्ष्य में नहीं पाया जा रहा है, अतिव्याप्ति दोष तो नहीं है, और जो अजीव है अजीव में पाया तो जा रहा है मूर्तिपना, इसलिए असंभव दोष भी नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है अजीव। अब अजीव में आते हैं पांच द्रव्य, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल,
तो ये पुद्गल को छोड़ के बाकी जो तो चार द्रव्य हैं धर्म अधर्म आकाश और काल उनमें नहीं पाया जा रहा है। मीन्स ये पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जा रहा है, लक्ष्य के एक अंश में पाया जा रहा है कि केवल पुद्गल में पाया जा रहा है। लक्ष्य तो बाकी भी है हमारा, धर्म अधर्म आकाश काल भी हमारे लक्ष्य में है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अजीव है, इसीलिए इसमें अव्याप्ति दोष आएगा। इतना क्लियर हुआ इससे या और भी एग्जाम्पल लेना है? भाई एक बार और क्लियर कर दीजिए इसे। इसी सेंटेंस को। हाँ हाँ ठीक है, कि जिसमें मूर्तिपना पाया जाता है वह अजीव है, तो हम मूर्तिपने के माध्यम से अजीव की पहचान कर रहे हैं। तो जिसके माध्यम से पहचान की जाए वो लक्षण होता है, और जिसकी पहचान की जाए वो लक्ष्य होता है। तो मूर्तिपना हमारा लक्षण हुआ और अजीव अजीव हुआ हमारा लक्ष्य। अब अजीव हमारा लक्ष्य है तो अजीव में पाया जा रहा है, अजीव के अलावा अलक्ष्य में जाए पहले तो अलक्ष्य है जीव, तो जीव में नहीं पाया जा रहा। मीन्स ये लक्षण अलक्ष्य में नहीं पाया जा रहा है, तो अति व्याप्ति दोष तो इसमें नहीं है। अब उसके बाद हम असंभव दोष को देखें, तो ये अजीव में पाया तो जा रहा है, मीन्स लक्ष्य में पाया जा रहा है, तो इसमें असंभव दोष भी नहीं है। अब एक दोष और बचता है हमारा अव्याप्ति दोष। तो अजीव हमारा लक्ष्य है और अजीव के अंदर पांच चीजें हैं। अजीव के अंदर पुद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। तो अब इस लक्ष्य के अंदर पांच चीजें हैं और मूर्तिकपना केवल एक ही चीज में पाया जा रहा है, बाकी चार चीजों में वह मूर्तिकपना नहीं पाया जा रहा है। मीन्स वो लक्ष्य के एक भाग में पाया जा रहा है, वो लक्ष्य में पूरी तरह से व्याप्त नहीं है। और पूरी तरह से व्याप्त ना होना उसका मीनिंग क्या है? अव्याप्ति दोष, कि वो अव्याप्त है, वो पूरी तरह से व्याप्त नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे अव्याप्ति दोष। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी देखो, अभी हम इतना तो आपको हो गया होगा, बाकी प्रश्न पत्र में मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके दूंगा, तो आप एक बार उसकी प्रैक्टिस करना, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार इसमें हम ये समझ लेते हैं कि इसको समझने से हमें वास्तव में लाभ क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले यदि हम देखें कि यदि वस्तु का यथार्थ लक्षण हमारी समझ में नहीं आए, तो हमें फिर उसकी वस्तु की पहचान नहीं हो पाएगी। कि यदि वस्तु का यथार्थ लक्षण हमारी समझ में नहीं आए तो वस्तु की यथार्थ पहचान करना संभव नहीं है, है ना? वस्तु की यथार्थ पहचान नहीं हो पाएगी तो उसकी परीक्षा भी नहीं हो पाएगी, और परीक्षा नहीं हो पाएगी तो निर्णय भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, निर्णय करने के लिए पहचान जरूरी है और परीक्षा जरूरी है। अब जब वस्तु की पहचान ही नहीं हो पाएगी तो उसकी परीक्षा भी नहीं हो पाएगी, परीक्षा नहीं हो पाएगी तो उसका निर्णय भी नहीं हो पाएगा। और वस्तु का निर्णय नहीं होगा तो फिर जैसा हम संसार में अनादि से भ्रमण कर रहे हैं, वस्तु का निर्णय किए बिना वैसे भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए एक लाभ तो इससे ये हुआ कि हमें इससे वस्तु का यथार्थ लक्षण समझ में आ सकता है, इससे हम वस्तु की पहचान कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं और उसके माध्यम से वस्तु का निर्णय कर सकते हैं। तो वस्तु का निर्णय कर सके ऐसी हमें क्षमता उत्पन्न हो गई इस टॉपिक को पढ़कर। उसके बाद अब हमने निर्णय कर लिया तो हमें यही पता चल गया कि ये हमारे लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है। कि जैसे हमने पुद्गल की पहचान कर ली यथार्थ, कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूं, तो मैंने जीव की पहचान भी कर ली, पुद्गल की पहचान भी कर ली, तो अब मुझे पता चल गया कि मेरे लिए तो उपयोगी जीव द्रव्य ही है, ये अजीव द्रव्य जो है वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। तो एक उपयोगिता और अनुपयोगिता का भी हमको पता चल गया कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्या उपादे है, क्या हे है। जैसे हमने जीव और पुद्गल की पहचान की तो जीव हमारे लिए उपादे है, पुद्गल हमारे लिए हे है, तो ऐसे हे उपादे की उपयोग का ही पता चला, और वस्तु का यथा निर्णय भी होता है। एक तो इससे ये लाभ होता है। दूसरा लाभ यदि हम देखें कि हमें सुखी होने के लिए क्या करना है, कि सुखी होने के लिए हमें जो देव शास्त्र गुरु हैं, जीव आदि सात तत्व हैं, जो हमारे लिए प्रयोजन भूत हैं। देखो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी
आपा प्रकाश श्रद्धान भी सात तत्वों का श्रद्धान, नौ तत्वों का श्रद्धान, वो सब सम्यक दर्शन का कारण है। तो अब उनका यथार्थ स्वरूप हमें लक्षण के माध्यम से पता चल सकता है, चाहे देव का स्वरूप हो। यदि हमें सच्चे देवों की पहचान करनी है तो सच्चे देवों की पहचान भी यथार्थ लक्षण के बिना नहीं हो सकती। कि यदि कोई सदोष लक्षण हुआ और उसके माध्यम से हमने सच्चे देवों को मान लिया कि ये सच्चे देव हैं, तो कुदेवों में भी हमें सच्चे देवों की मान्यता हो सकती है, है ना। तो ऐसा कि इसलिए हमें देव की सच्ची पहचान करने के लिए उनके भी यथार्थ लक्षण की जरूरत होगी। कि जैसे हम कहें, जैसे कि कथन भी आता है आगम में कि सच्चे देव जगत का उपकार करते हैं, और बाकी मतों में भी ये आता है कि उनके देव जगत का उपकार करते हैं। यदि हमने जगत का उपकार करने वाले को देव मान लिया कि जगत का उपकार करने वाला सच्चा देव है, तो फिर जो अन्य मतों के देव हैं उनको भी सच्चा मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके शास्त्रों के अनुसार उनके देव भी जगत का उपकार करते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ जगत का उपकार करते हैं, तो हमें उनको भी सच्चा देव मानना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की भी पहचान हमें इस विषय को जानने से ही होगी। कि जब तक हम लक्षण को नहीं पहचानेंगे, हमें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और सुदेव सुगुरु सुशास्त्र इनकी पहचान नहीं हो सकती। तो हमें इसके माध्यम से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की भी पहचान हुई, ये हमें दूसरा लाभ हुआ। और देखो तीसरा लाभ यदि हम देखें कि जैसे कल हमने कहा था कि दूसरी डाल में आता है, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गय गोधन प्रभाव, मेरे सुतिय में सबल दीन, बेरूप सुबग मूरख प्रवीण। कि ये मेरी मान्यता चल रही है कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं पशु हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, इसमें हमारी मान्यता चल रही है। क्योंकि हमने जीव को यही माना हुआ है कि ये मनुष्य ही जीव है। कि जैसे अभी आया था ना दोष की पहचान करने में, कि जिसमें ज्ञान है वह जीव है, नहीं ये वाला नहीं था, किसमें आया था वो, जिसके हम सूझ सके वह जीव है। तो इसमें क्या आया था, चलता फिरता है वो जीव है। मीन्स हमने जीव की पहचान इसी में की हुई है, लेकिन इसमें क्या लक्षण आवास है, ये दोष से युक्त है। तो जब हमें इसका यथा लक्षण पता चलेगा, तो जो मेरी ये मान्यता थी अनादि से कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, ये कुटुंब आदि मेरे हैं, इत्यादि जितनी भी मान्यता थी, विपरीत मान्यता, कि जो अनादि से भ्रमण का कारण बनी हुई थी, जो दुख का कारण बनी हुई थी, वो मान्यता भी इस विषय को समझने से दूर होती है। क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि भाई मैंने अपने को काला माना, मीन्स मैं काला कभी हो नहीं सकता, ये तो असंभव दोष है। अति व्याप्ति अव्याप्ति भी नहीं, ये तो असंभव दोष है। कि मैं कहूँ कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये तो असंभव दोष है, ये तो संभावना ही नहीं है इसकी पाने की। तो व्याप्ति अति व्याप्ति दोष तो कभी कभी पाए जाते हैं। जैसे अति व्याप्ति त्रिकालिक भी हो सकता है, अव्याप्ति तात्कालिक भी हो सकता है, कुछ समय के लिए भी हो सकता है। लेकिन ये जो दोष है कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, ये तो असंभव दोष है। इसको जानने से हमको पता चला कि ये इसकी तो संभावना ही नहीं है हमारे अंदर। तो कितनी बड़ी हमारी मान्यता दूर होती है इस विषय को जानने से। कि इससे हमको पता चला कि मैं कभी काला गोरा हुआ नहीं, हो सकता नहीं, और ना ही कभी होऊंगा। तो इसके माध्यम से हमारा ये मिथ्यात्व पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ऐसे भी हमको इस विषय को समझने से लाभ होता है। और हम यदि लाभ देखें, वैसे समय हो रहा है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमने क्या माना, हमने अपने को पर्याय रूप माना हुआ है। कि पर्याय से अपनी पहचान करते हैं, लेकिन जो हम पर्याय से अपनी पहचान कर रहे हैं उसमें अव्याप्ति दोष आएगा। क्योंकि हम कोई सी पर्याय देखें तो वो पर्याय लक्ष्य में किसी समय पाई जा रही है, हमेशा नहीं पाई जा रही है। तो उससे हमको पता चला कि इसमें जो अव्याप्ति दोष है ये यथा लक्षण नहीं है। मीन्स इस पर्याय के द्वारा अपनी पहचान करना वो अपनी पहचान नहीं है। तो इसके माध्यम से भी हमें एक पर्याय दृष्टि हटके एक द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है इस विषय को जानने से।
तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है कि ये विषय पर्याय दृष्टि छुड़वाकर द्रव्य दृष्टि की ओर उन्मुख करता है, द्रव्य दृष्टि प्रकट करवाता है, और वो द्रव्य दृष्टि ही सुख का कारण है। इसी के देखो, और इसी को यदि हम देखें कि जब हमको पता चला कि पर्याय से हम अपनी पहचान नहीं कर सकते, तो दूसरे को भी पर्याय रूप देखने का जो हमारा भाव था वो भी नष्ट हो जाता है, कि जब मैं पर्याय रूप नहीं हूं तो दूसरा भी पर्याय रूप नहीं है। इसीलिए देखो जो कहते हैं, जो कहा कि भाई सभी भगवान हैं, कभी को सभी को भगवान आत्मा देखो, तो मीन्स दूसरे को भी पर्याय रूप देखने का भाव नष्ट हुआ। कि जैसे कहते हैं ना कि भाई दूसरे को पर्याय रूप देखना भी बहुत बड़ा अपराध है, कि दूसरे को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करें, कि यदि मैंने आपको पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करें, मीन्स दूसरे को भी पर्याय दृष्टि से देखना वो भी एक बहुत बड़ा अपमान है, वो अपराध है। तो हम उस अपराध से बच सकते हैं, दूसरे को हम उस दृष्टि से नहीं देखेंगे, द्रव्य दृष्टि से। तो ये भी एक लाभ होता है। और देखो इससे और क्या लाभ होता है कि हमने दूसरे को पर्याय रूप नहीं माना, दूसरे को हमने भगवान आत्मा ही जाना। तो जो हमको राग द्वेष उत्पन्न हो रहा था, जो हमको मान मान उत्पन्न हो रहा था, जो हमको क्रोध उत्पन्न हो रहा था, जो हमको लोभ उत्पन्न हो रहा था, जो हमको माया उत्पन्न हो रही थी, वो सब भी इसके माध्यम से नष्ट हो जाएंगे। तो कितना लाभ है विषय को जानने से, कि जीवन समता रूपी हो गया, समता में जीवन हो गया, अब किसी से राग द्वेष करना नहीं रहा, क्योंकि कोई पर्याय रूप है ही नहीं। इससे हमको यही पता चला। देखो और एक एक हमको क्या पता चला कि जो चीज कॉमन हो उस चीज से पहचान नहीं करनी चाहिए, उस चीज से यथार्थ पहचान नहीं होती है। तो जो विशेषताएं हम में और दूसरों में समान हो, उसके माध्यम से भी यदि हम पहचान करें तो अतिव्याप्ति लक्षण आता है। तो हमें इसके बल पर भी हम क्या करें कि एक जैसे मान लो कि जीव है और पुद्गल है। अब जीव भी अनंत गुण संपन्न है, पुद्गल भी अनंत गुण संपन्न है। जीव का भी प्रतिसारण परिणमन होता है, पुद्गल का भी प्रतिसारण परिणमन होता है। तो अब यदि हम इनके माध्यम से पहचान करें वस्तु की, तो ना हम जीव की पहचान कर पाएंगे ना पुद्गल की। यदि अनंत अनंत गुण संपन्न से माध्यम से पहचान करने जाएंगे तो जीव में भी मिलेगा, पुद्गल में भी मिलेगा। जो प्रतिसरण परिणमन करता है वह जीव है। यदि हमने ये परिभाषा बना ली, इस लक्षण के माध्यम से वस्तु की पहचान करने जाएंगे, तो भी वस्तु की पहचान नहीं होगी, क्योंकि वो जीव में ही पाया जाएगा, पुद्गल में ही पाया जाएगा, बाकी द्रव्यों में ही पाया जाएगा, क्योंकि सभी द्रव्य अपने अपने षटकारक के साथ प्रतिसरण परिणमन करते हैं। तो इसीलिए जो चीज अपने में और अन्य में समान हो, उसके माध्यम से परीक्षा ना करके, उसके माध्यम से पहचान ना करके, जो अपने में यूनिक है उसके माध्यम से हम पहचान करें, तो अपनी यथार्थ पहचान हो सकती है। तो यदि ये चीज हमारे समझ में आ जाए तो भेद विज्ञान हुए बिना ना रहे। कि यदि हमने इसकी पहचान कर ली कि जो समान है उसके द्वारा पहचान ना करके, जो यूनिक है, कि जो मुझ में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, जो करूं तो उनके माध्यम से मैं पहचान करने जाऊं, तो मुझे स्वयं का भेद विज्ञान हो सकता है कि जो मुझ में की पहली सीढ़ी है। तो उसके तो ये विषय जानने से भेद विज्ञान का भी कारण बना, आत्मानुभूति का कारण बना, साफ साफ सुख पाने का मार्ग भी हमको इस विषय को जानने से मिला। तो यदि हम एक लाइन में कहें तो देखो, हमने लौकिक में भी देखा कि लौकिक कार्य भी इस विषय को जाने बिना नहीं हो सकते। कि हम जैसे गाय को पशु मांग के बैठ जाएं तो बाकी पशुओं को फिर सबको गाय मानना पड़े, सारे पशुओं को। तो लौकिक में भी और लोकोत्तर में भी, कि लौकिक में भी धर्म में भी और धर्म के पार भी, जो लोकोत्तर है, जो सिद्ध अवस्था है, वो भी कार्य हमारे इस विषय को जाने बिना सफल नहीं हो सकते। इसीलिए इस विषय को जानना बहुत ही जरूरी है। हमने विषय को जाना, आप इस पर चिंतन करें, मनन करें, 4 दिन की क्लास को देखें, मैं कुछ और एग्जाम्पल दूंगा, उस पर विचार करें, और कहीं भी शंका लगे तो इस क्लास को और भी ले सकते हैं किसी दिन, और भी एक दिन और ले सकते हैं किसी दिन, यदि अभी लगे तो कल भी ले सकते हैं, नहीं तो आगे भी ले सकते हैं, बाकी नहीं तो कल से फिर हम नए लेने का सोच रहे हैं कि निश्चय ने व्यवहार ने को लें, क्योंकि वो भी एक विषय जरूरी है जानना, क्योंकि उसके बिना हम आगम को नहीं जान सकते। तो इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण था, वो विषय भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए महत्वपूर्ण होने के कारण उस विषय को भी लेना चाह रहे हैं। बाकी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार होगा।
तो अभी किसी को शंका हो यहां तक तो पूछ लें। जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोए जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझ लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। इस विषय को जानकर हम वस्तु के यथार्थ लक्षण को पहचाने, उसके द्वारा वस्तु की यथार्थ पहचान करें, और वस्तु की यथार्थ पहचान करके यथार्थ निर्णय करके सम्यक दर्शन आदि ग्रहण करके सम्यक चारित्र आदि की पूर्णता करते हुए अपने सिद्ध पद को प्राप्त करें, यही मंगल भावना है। नंदीशा द्वीप में स्थित सभी चैतालों की जय। अनंत सिद्ध प्रमिष्टि भगवंतों की जय। द्वासा मई जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच प्रमिष्टि के स्मरण पूर्वक नौवा नवका मंत्र का जाप करते हुए कायोत्सव करें।